हेलो फ्रेंड्स, एम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें जाए। उसके फजी सेट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और फजी सेट के क्वेश्चन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि फजी सेट का यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो भी वैल्यूज हैं वो 0 से 10 तक दे रखी हैं और जो मेंबरशिप फंक्शन है वो भी हमारे पास में ये दे रखा है x/(x+2)। तो इससे हमारे पास पता चलता है कि कौन सी वैल्यू हमें लेनी है और कौन सी वैल्यू हमें किस रेंज तक लेनी है। यहाँ पर अल्फ़ा कट करस्पॉन्डिंग दे रखा है और एक अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 0.5। मीन्स अल्फ़ा कट जो होगा वो उससे 0.5 से थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ा होगा। तो देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ पर म्यू ए की वैल्यू जब आप देखेंगे तो म्यू ए की वैल्यू जो होगी वो होगी, अगर हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0/(0+2) यानी 2, 1/(1+2) यानी 3 यानी सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू होगी 2 यानी एक्स की वैल्यू 2 है, सो 2/5 यानी जो 2+3 यानी सॉरी 2+2 4 सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास में 2+2 2/4, नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो 3/5 एंड सो ऑन। जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी 10/12। ये वैल्यू हमारी सारी जो है वो हमारी इस तरीके से आती रहेंगी। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगी 0.3 3 0.5 3/5 की वैल्यू आपको कुछ मिलेगी 0.6 एंड सो ऑन। और ये लास्ट वाली वैल्यू मिलेगी आपको 0.833। सो ये 833 से वैल्यू, तो अब 0.5 की वैल्यू से है तो इससे बड़ी वैल्यू तो एक्सेप्टेबल होंगी, लेकिन इससे जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएंगी। ये वाली वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यानी ये यहाँ पर वैल्यू 0 है तो ये नहीं होगी, 1 नहीं होगी और 0/1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 तक वैल्यू हमारी से वैल्यू हमारी स्टार्ट होंगी। सो 0/1 नहीं होगी, 2 से वैल्यू स्टार्ट होगी हमारी। तो यानी ये भी वैल्यू नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है हमारे पास में, ये ऑप्शन भी गलत है, यानी ये सी ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट है वो है सी। क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर भी फजी सेट्स की 2 फजी सेट्स दे रखे हैं, उनके मेमो फंक्शन दे रखे हैं म्यू ए और म्यू बी। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, पूछा है कि वैल्यू ऑफ म्यू ए इंटरसेक्शन बी। सो इंटरसेक्शन हम जानते हैं जब कभी भी दो वैल्यूज होती हैं उसका जो दो जो वैल्यूज़ का हमें इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, ये वाली वैल्यू, बीच की जो कॉमन वैल्यू है। सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए और बी में जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो होगा जो भी वैल्यू मिनिमम इन दोनों में से होगी। यानी इसकी वैल्यू मिनिमम क्या है, 0.1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.8। सो आप देख सकते हैं, तो 0.1 में पहली वैल्यू ये है तो ये मैच है, दूसरी वैल्यू 0.5 मैच है, थर्ड वैल्यू 0.2 है यानी ये मैच नहीं है, तो ये हम इस वाले पे आ जाते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है, पहली ये दोनों वैल्यू इसमें है तो ये दोनों वाले ऑप्शन भी। नेक्स्ट हम फजी सेट का क्वेश्चन देखते हैं। फजी सेट ए दे रखा है, इसमें डिफाइंड वैल्यू सुपर वैल्यू ऑफ ए है, एक्स बिलोंग्स टू ए है, फजी सेट ए इज कॉल्ड नॉर्मल वैल्यू। इसका ऑप्शन दोस्तों सी होगा, क्योंकि जितनी भी वैल्यू फजी सेट की होती हैं अगर एच ए इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब दैट इज हाइट और मेंबर फंक्शन इज 1, फजी सेट बिकम नॉर्मल।
ये फजी सेट बिकम नॉर्मल होगा जब कभी भी इसकी हाइट और नॉर्मल वैल्यू 1 होगी। ये वैल्यू जब कभी भी 1 होगी तभी ये वैल्यू नॉर्मल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये वाली वैल्यू हमेशा 1 होगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।